प्रभावित लोग जो मिलने आए, राकेश सिंघा जी हमारे पूर्व विधायक है, इनके साथ ये डेपुटेशन मिलकर मिलने आया है। और जब मैं रामपुर गया था तो मैंने इनकी ये बात को सुना था, ये जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SJBNL के साथ जो समझौता किया, उस समझौते के तहत हिमाचल के जो इंटरेस्ट थे उनकी अनदेखी की गई है। पावर पॉलिसी में ऐसा बदलाव किया गया जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लूरी, सुन्नी, धूलासीत और इन पावर प्रोजेक्ट के MOU का आंकलन किया। आंकलन में क्या पाया, पिछली सरकार ने किस आधार पर MOU किया? पिछली सरकार ने इस आधार पर MOU किया कि हम GST भी नहीं लेंगे, जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है वो हम 12-15 साल बाद लेंगे, और जीवन भर प्रोजेक्ट SJBNL के पास ये 4 चले जाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया, और पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर जी से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर 12, 18, 30 और 40 साल बाद हिमाचल के लोगों को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हम इस MOU को आगे लागू नहीं करेंगे। MOU के बाद एक इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट होता है। SJBNL ने हमारी सोवरेंटी को भी ना मानते हुए बिना पूछे ही लूरी के काम शुरू कर दिया, सुन्नी का काम शुरू कर दिया, धोलासिद पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया। मैं 3 बार मीटिंग करके उनको बोलता रहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, MOU हुआ है। मैं हिमाचल के हितों की अनदेखी देखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है उसका मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन हमारी सरकार इस मामले में हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए 12% सुन्नी से भी चाहिए, लूरी से भी चाहिए, धोलासिद से भी चाहिए, पहले 12%, फिर 12 से 30 साल के बीच में 18% चाहिए, 30 से 40 साल के बीच में हमें जो 30% चाहिए, और 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट हमें वापिस चाहिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट उनको जिंदगी भर SJBNL को ये दे दिया गया, चाहे वो धोलासिद है चाहे डूगर की बात है। मैंने मनोहर लाल खट्टर जी से भी बात की और मैंने उन्हें स्पष्ट कहा कि अगर हमें इस आधार पर आप हमारे साथ MOU द्वारा करने को तैयार है तो हम रेडी है, वरना इन तीनों प्रोजेक्ट को हमारी सरकार टेक ओवर करेगी। ये जो समस्याएं आई है लूरी के लोगों के साथ, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है, ना लाडा दिया गया है। अब लाडा तो उनके क्षेत्र का अधिकार है, ना उस क्षेत्र से उजड़े हुए लोगों को नौकरी दी गई है, ना एनिमल हस्बेंड्री को इसमें कंसीडर किया गया है। जो इनकी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है उसमें आपने हॉर्टिकल्चर कंसीडर किया, आपने एग्रीकल्चर कंसीडर किया, आपने एनिमल हस्बेंड्री की सेहत पर भी तो फर्क पड़ता है किस आधार पर हम कंसीडर करते हैं। और जो इनको बेचारों को कंपनसेशन है वो अभी हमने पूरी तरह दिया नहीं है। हमने सरकार की एक कमेटी बनाकर इन सब पहलुओं को देखने के लिए कहा है, और जिनके मकानों में भी दरारें आई है उसमें भी हम उनको क्या कर सकते हैं, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार देखेगी। हिमाचल के आम लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, गरीब लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, फायदा कमाए बड़ी कंपनियां, आम लोग सफ़र करें, तो इस चीज़ को हिमाचल प्रदेश की सरकार सहन नहीं करेगी। इसलिए हमने आज सिंघा जी के डेपुटेशन को ये आश्वासन दिया। मैं कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार देखिए, बड़े बड़े होटल वालों को भी मुफ्त कनेक्शन मिलता था, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में 60% होटल आ चुके हैं, चाहे वो कसौली की बात है, चाहे शिमला के बाहर पंचायत एरिया के बाहर की बात है, चाहे कुल्लू मनाली की बात है। ये सरकार कितनी असंवेदनशील है कि उनसे पानी का बिल भी नहीं लेती थी। हमारी सरकार ने कहा चाहे वाइल्ड फ्लावर हॉल है, चाहे ताज है, चाहे जितने भी होटल है जो ग्रामीण क्षेत्र से बाहर है, उनके हिसाब से प्रति किलोलीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे, और जो पैसा आएगा उससे पानी की क्वालिटी में
हम सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम पानी तो उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का पानी उपलब्ध करवा रहे हैं? हम किस प्रकार का स्वच्छ जल का नारा दे रहे हैं? सिर्फ नलके के पानी को दे रहे हैं? नलके में जो पानी आ रहा है उसमें क्या, किस प्रकार की हम सफाई कर रहे हैं? इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, गरीब आदमी पर कोई पानी का बिल नहीं लगेगा। हमने विडोज, एकल नारी, दिव्यांग, जो पुअर फैमिलीज है, 50 लाख रुपए से कम इनका, उनको कोई बिल देने की बात नहीं की है। 50,000 से कम उनको आए हैं, उनको कोई बिल देने की बात नहीं की है। जितने भी हमारे इनकम टैक्स पे ही है, उन सबको हमने कहा है कि आपको बिल देना चाहिए, क्योंकि 1-1 लाख पे है, 50,000 पे है। अगर वो 100 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में हमने फिक्स किया, ग्रामीण क्षेत्र में हमने सिर्फ पानी का 100 रुपया फिक्स किया, कितना यूज किया वो नहीं फिक्स किया, लेकिन होटल के मामले में हमने ये फिक्स किया कि जितना किलो लीटर के हिसाब से यूज करेंगे। करोड़ों रुपए की उनकी टर्नओवर है, करोड़ों रुपए की GST है। तो सरकार के पैसा जो है वो सरकार का पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है। तो इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने ये कार्य किया। आप हम चाहेंगे कि आप सब लोग पत्रकार बंधु भी हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी मैंने कहा कि हमारे संस्कृति ऐसी है जिसमें कि अंतिम संस्कार के लिए अगर कुछ उनको कोई डेड बॉडी मिल जाती तो एक आशा परिवार में होती है, हमारी संस्कृति ऐसी है। और अभी मेरे ख्याल 33 के करीब लापता है, और इस और अभी 15 सितंबर तक हम अलर्ट ही है। देखिए, सारी प्रकार की मीटिंगें हमारे अधिकारी लोग कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर 8 दिन बाद SP और डिप्टी कमिश्नर समेत से मिलकर आए, उन लोगों को राहत पहुंचा के आए। कल ही हमने फैसला किया कि जो इन बच्चों के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ तो वहाँ किराए की बिल्डिंग में या 2 बसेज उनको उपलब्ध करवा कर साथ वाले स्कूल में उनको हम रखेंगे। सबको हमने बर्तन के ले दिया, और अभी इनको ये तो फौरी राहत दी है, इनको घर बनाने के लिए भी हमारी सरकार आपदा के बाद, जब आपदा ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कब कहाँ आ जाए, जब तक बरसात चलती है तब तक आपदा का हम आंकलन करते हैं कि 10 सितंबर तक तो आपदा रहती नहीं, रहने की उम्मीद है। उसके बाद हम जिनके घर गए हैं उसके बारे में भी उनको आपदा राहत के तहत एक पैकेज लाएंगे। धन्यवाद। वो नदी नालों के किनारे नहीं था, वो गाँव पूरा बसा हुआ गाँव था, दूर एक नाला जाता था, अपनी जगह पर लोग बसे हुए थे। हमें ये देखना कि जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है, क्लाउड बर्स्ट का कारण क्या है। मैंने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पहले इसका अध्ययन करना चाहिए, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। 900 करोड़ रुपए का नुकसान IPH, PWD और सब सड़कों को हो चुका है। केंद्र से अभी तक कोई मदद नहीं आई, पर आश्वासन उन्होंने पूरा दिया है कि हम केंद्र से आपको मदद देंगे। हमारे कमर्शियल जो लोग काम करते हैं, कमर्शियल में आगे होटल वाले आगे, बड़े बड़े मॉल्स बने हैं, बड़े बड़े वेसर ढाबे बने हैं, उनसे हम कमर्शियल में लेंगे, बाकी सारे ग्रामीण क्षेत्र के 100 रुपया पर मीटर के हिसाब से लेंगे। फिक्स्ड नदी नालों के किनारे जो घर बनाए जाते हैं सर, उनको लेकर भी कुछ पॉलिसी बनाई नहीं? वो तो हमने पिछली बार